हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं एग्जाम फोकस। 20 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं मार्च के, वो आज शेयर करने का समय है। इसी के साथ पिछला वीडियो मार्च का और इस वीडियो को मिलाकर करीब 90-100 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो टॉप 100 क्वेश्चन अब हो गए आपके पास मार्च मंथ में। तो आप इनका रिवाइज भी कर सकते हैं myexamnotes.com पर। PDFs कुछ दिनों से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था हर एक पोस्ट का, अब मैं एक दो दिन के अंदर सारे पोस्ट का PDF अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा यहाँ पर पेंट, आई मीन लास्ट थ्री मंथ नहीं होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से ये आ गया। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे नोट्स, MCQs एक्सप्लेन विथ इमेजेस, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको मिलने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, एक पोस्ट आने वाला है अब से थोड़ी देर में, और उस पोस्ट में आपको हाँ या ना में आंसर देना है। मैं सोच रहा था मंडे टू फ्राइडे हर दिन दस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड करके आपके साथ 2 से 3-4 मिनट के बीच में शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने का, ताकि आप सबका GK रिवाइज होता रहे। तो कम से कम 300 वोटिंग्स तो ज़रूरी हैं इसके लिए, आप सब ज़रूर इसमें वोट करना, तो मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। जल्दी करना, क्योंकि मुझे बनाने में थोड़ा समय भी लगता है, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, विच सिटी हैज बिन रीनेम्ड एज नूर सुल्तान। दुनिया का कौन सा शहर नूर सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। तो ये शहर कौन सा है, इस शहर में मैं जा चुका हूँ, क्योंकि जब मैं रशिया जा रहा था तो इस शहर के थ्रू मैं गया था, वाया अस्ताना। तो अब इस सिटी का नाम हो जाएगा, अस्ताना सिटी का नाम नूर सुल्तान। नूर सुल्तान नजरबेव एयरपोर्ट भी वहाँ पर है, और नूर सुल्तान नजरबेव वहाँ के एक रूलर थे जिनके नाम पर ये शहर का नाम नामांकन किया जाना है। बता दूं आपको, अस्ताना कजाकिस्तान का कैपिटल है। 1997 में अस्ताना को कजाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था, और इससे पहले इस शहर को अकमोला के नाम से जानते थे। तो मे बी कभी क्वेश्चन इन साइड से पूछ ले, तो अकमोला अगर कभी आपके क्वेश्चन में दिखे तो ये अस्ताना का नाम है, जिसका करेंट नाम नूर सुल्तान हो गया है। अस्ताना से पहले कजाकिस्तान का कैपिटल था अल्माटी, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। अल्माटी 1997 में सबसे बड़ा शहर था कजाकिस्तान का, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अस्ताना का लोकेशन काफ़ी अच्छा था कजाकिस्तान में, इसीलिए उसको कैपिटल बनाया गया था। वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में अस्ताना आज आता है। स्ट्राडिया इज अ वीडियो गेम प्लेटफॉर्म एंड बिल्ड बाय स्ट्राडिया, एक वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एक तरह के से ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, CLOUD, ऑब्वियसली आप जानते हैं क्लाउड स्टोरेज जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है वीडियो गेम्स के लिए। अब इसमें होगा क्या, पहले तो आंसर बता देता हूँ, बिल्ट बाय गूगल। इस चीज़ के थ्रू क्या होगा कि अगर आप कोई सिस्टम के थ्रू गेम खेल रहे हैं और आपको उस गेम को पॉज करना पड़ गया या छोड़ना पड़ गया, तो आप इस गेम को क्लाउड स्टोरेज में डाल सकते हैं, और किसी दूसरे डिवाइस से अगर आप फिर एक्सेस कर रहे हैं तो आप वहीं से उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो डिवाइस स्विच करने में काम आएगा यूजर्स के लिए, बेसिकली इसका यही फायदा है। तो डेवलप्ड बाय गूगल स्टाडिया। इंडिया एंड ओमान एग्री टू बिल्ड एन ऑयल रिफाइनरी एट विच प्लेस। इस जगह का पिक मैंने इस पिक को शेयर किया है इस जगह को दिखाने के लिए। दरअसल ये है हंबनतोता इंटरनेशनल पोर्ट, जो कहाँ पर है, श्रीलंका में। तो कौन मिलकर बनाएगी, ऑब्वियसली इंडिया एंड ओमान मिलकर बनाने वाली है। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का जो है वो आंका जा रहा है 3.85 बिलियन। तो इस लागत से बनेगा, करीब 2 लाख बैरल पर डे की कैपेसिटी होगी इस पोर्ट की, और 585 एकड़ में फैला हुआ होगा, जो कि एक्सपोर्ट के काम में लाया जाएगा। कौन सा पोर्ट है, तो हंबनतोता इंटरनेशनल पोर्ट, और ये तीनों पोर्ट्स कहाँ पर हैं, ये दोनों पोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, तो ये दोनों हैं इंडिया में। नवसेवा, मुंबई का नया पोर्ट का नाम है नवसेवा, ठीक है, और कांडा पोर्ट गुजरात में है। अल जायद मुझे पता नहीं ये कोई पोर्ट है भी या नहीं, क्योंकि मैंने मनगढ़ंत ऑप्शन डाल दिया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स लॉन्च्ड फॉर 2019, विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिस्ट में टॉप कराया 2019 में। आंसर इज फिनलैंड, और ये सेकेंड टाइम फिनलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन या टॉप रैंक हासिल करी है। इंडिया की रैंक अगर आप देखें तो इंडिया की रैंक है 140, जो कि बहुत पीछे है। और सबसे ख़राब स्थिति में कौन सी कंट्री है, तो साउथ सुदान। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट, या तो आपसे कई बार
जो कंट्री टॉप है, या फिर इंडिया पे फोकस होता है, या फिर जो सबसे लास्ट है। IMF said India is one of the fastest growing large economy of the world. Who is the director of IMF? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है IMF ने, चलिए ये तो स्टेटमेंट है, IMF ने ये बयान दिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक जीके का। ये स्टैटिक जीके तो नहीं है, लेकिन फिलहाल काफ़ी समय से क्रिश्चियन लगार्डे जो हैं वो IMF की हेड हैं, 2011 से हैं, इसलिए मैं इसको स्टैटिक बोल रहा था, वैसे करंट अफेयर का ही पार्ट है। और उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर गैरी राइस ने ये चीज़ बताई थी, GERYRICE, इन्होंने ये जो ये कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये कन्वे किया था, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स अंडरटेक करे हैं पिछले 5 सालों में, जिसका फ़ायदा उसको अब मिल रहा है। शिक्षावाणी ऐप लॉन्च्ड बाई, ये क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पिछला ही वीडियो जो साइंस पे था उस पर हमने डिस्कस किया था। इसको लॉन्च किया है CBSE ने, एक तरीके का ये कह सकते हैं आप पॉडकास्ट है, जो जिसमें CBSE जो भी नोटिस सर्कुलर्स लॉन्च करेगी वो सब इस ऐप पर स्टूडेंट्स देख पाएंगे। 2019 से ये इफेक्टिव होगा। तो आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये ऐप शिक्षावाणी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 25 मार्च लेफ्ट फॉर 3 नेशन विजिट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द लिस्ट। 3 देशों को विजिट करना था रामनाथ कोविंद को, 25 तारीख से इनकी यात्रा शुरू हो गई थी। इनमें से कौन सा वो देश है जो उन्होंने विजिट नहीं किया या नहीं करने वाले थे? तो आंसर इज अर्जेंटीना। वो क्रोशिया गए, बोलीविया गए, चिली गए। और यहाँ पर आपको कैपिटल्स पता होना चाहिए, ऑब्वियसली क्रोशिया का आपको पता होगा, ज़ैग्रेब, ZAGREB, ज़ैग्रेब। चिली का वेरी इजी, सेंटियागो, सबको पता ही होगा सेंटियागो। लेकिन बोलीविया का बहुत लोग नहीं जानते हैं, सुक्रे, SUCRE, सुक्रे, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूली इलेक्टेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे इज, फोन पे क्या है? तो एक तरीके का ऐप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरी आउट किया जा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और फोन पे ने एक ब्रांड एम्बेसडर को चूज़ करा है जो कि इंडिया से हैं, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है आमिर खान। और ये एक ऑनलाइन ब्रांच है फ्लिपकार्ट की, तो ये भी याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट से एसोसिएटेड है फोन पे। मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री ऑन 21 मार्च सैंक्शन $2.1 बिलियन लोन टू पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन से देश ने 21 मार्च को $2.1 बिलियन लोन पाकिस्तान को प्रोवाइड करा है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें से 3 कंट्रीज ने पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड करा है। अब देखिए पिछले महीने फरवरी के 18-19 तारीख की बात है, ये क्या आ गया, 19 तारीख की बात है, जब UAE ने $1 बिलियन लोन प्रोवाइड करा था पाकिस्तान को, जब UAE के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे, उसके जस्ट बाद इंडिया आए थे। उसी तरीके से सऊदी अरब ने भी $1 बिलियन लोन दिया था, लेकिन चाइना ने $2.1 बिलियन लोन प्रोवाइड किया है। इससे पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं उसमें थोड़ी वृद्धि होने के आसार हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल में पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है, ठीक है। ICICI एंड डैश entered into a partnership to provide cyber insurance. Important क्वेश्चन है, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड ने, या ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, उसने मोबीक्विक के साथ साइन अप करा है या टाई अप करा है। और ये क्या करेगी, तो जो वैलेट यूज़र्स हैं, जैसे कि पेटीएम वैलेट और अलग अलग तरह के वैलेट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कभी कभी इलीगल ट्रांजैक्शंस होने के केस जो आते हैं, फ्रॉडमेंट होने के केस आते हैं, उसके लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। और ये इंश्योरेंस का रेट करीब एट द रेट ऑफ 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको देना होगा। और इसमें इंश्योर्ड मनी या एश्योर्ड मनी कितना होगा, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये, ठीक है। तो एक तरीके का वैलिड इंश्योरेंस है कह सकते हैं आप। हु रोट द फिक्शन द फर्दस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यहाँ पर एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ऐसे दे दो।
एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिटन बाई रघु कार्नाड, और ये उनकी किताब है रघु कार्नाड की। और इनको इसके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप और ध्यान में रखो, हाल ही में विंडहम कैम्बल प्राइज भी दिया गया है, WIND विंडहम HAM कैम्पबेल, तो आप नोट्स में इसको बनाकर लिख लेना। और नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए डेबिट बुक के लिए दिया गया है, जिसमें इनको प्राइज मनी दिया गया था US$165,000, 1,65,000 डॉलर। ठीक है, बहुत बड़ा रकम होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ व्यास सम्मन या 2018 गिवन टू किसे दिया गया है, तो लीलाधर जागुड़ी को, और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है प्राइज। कई बार मैंने बताया है, जितने लोग उतने प्रेम, एक कलेक्शन कह सकते हैं आप पोएम्स का, उनका इम्पोर्टेंट वर्क है, जितने लोग उतने प्रेम। तो लीलाधर जागुड़ी, व्यास सम्मन 2019, आई मीन 18। नाउ द फर्स्ट G7 कंट्री टू साइन अप फॉर सिल्क रोड फॉर बेल्ट, सिल्क रोड फॉर नहीं होगा या और होना चाहिए, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो कौन सी G7 कंट्री है? G7 कंट्रीज में कनाडा, USA, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी आती है। तो एक और कंट्री जो है, सातवां देश कौन सा है? आंसर इज इटली। और इटली जो है पहला G7 कंट्री बन गया है जो कि सिल्क रोड इनिशिएटिव में भागीदारी करेगा। करीब चाइना का प्लान है 152 कंट्रियों के साथ इसमें समझौता कर कर इकोनॉमिक जो रीजन है उसको बूस्टअप करना, अपनी खुद की इकोनॉमी भी और वर्ल्ड की भी। ज़्यादातर तो उनका सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी, मतलब सेल्फ फोकस इकोनॉमी पे ध्यान रहता है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, मेरे क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नवीन चावला रोट बुक नेम्ड, तो पूर्व चीफ कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला जो थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो किताब का नाम है, यहाँ पर दिख ही रहा है, एवरी वोट काउंट्स। और हामिद अंसारी जो कि पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने ये बुक लॉन्च किया। और इस बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये शेयर करना था कि वोट्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, या इलेक्शन में वो तो है ही, और इलेक्ट्रॉल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है कंट्री का, इस पर भी फोकस था। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 इम्पॉर्टेंट टेक अवेज, कई बार कहीं कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक अगर दिखे तो आप उसको सेल्फ करेक्ट कर लेना, कई बार टाइपिंग करने में मिस्टेक्स आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और खुद से भी थोड़ा सा वर्क करेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ करेक्ट कर दूँ सबका। नाउ बेस्ट फिल्म राजी मूवी को दिया गया, और पहले तो वेन्यू बता दूँ, 64th एडिशन था ये, और इसका वेन्यू था जियो गार्डन मुंबई में। उसके बाद राजी मूवी के लिए दिया गया, बेस्ट फिल्म राजी मूवी को मिला है। और यहीं पर आपको बता दूं कि बेस्ट डायरेक्टर भी राजी मूवी के डायरेक्टर को मिला है। कौन है वो? तो मेघना गुलजार, MEGHNA मेघना गुलजार, तो आपको पता ही है गुलजार ZAR है, ठीक है। और उसके बाद बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर को मिला है, किस चीज़ के लिए? फॉर मूवी संजू, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट वंस अगेन राजी के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाने के लिए पद्मावती में, ठीक है। सही में काफ़ी डेंजरस लुक दिया था रणबीर सिंह का। नाउ विच लॉजिस्टिक स्टार्टअप गॉट 413 मिलियन डॉलर फंड फॉर सॉफ्ट बैंक, फ्रॉम सॉफ्ट बैंक होना चाहिए, फ्रॉम सॉफ्ट बैंक विजन फंड। अब देखिए डिलीवरी को ये जो रकम है वो दी गई है, अभी प्रेजेंटली डिलीवरी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं उनका 15,000, मतलब 15,000 लोकेशंस पर पहुंच है, आप कह सकते हैं जहां पर 15,000 पिंस जहां तक हैं वहां तक पहुंच है। लेकिन इस पैसे से उनका जो मकसद है वो 20,000 लोकेशंस तक पहुंचना है। 2011 में फाउंड हुई थी ये कंपनी, और छोटे छोटे शहरों में भी इनको एक्सपैंड करने के लिए ये फंड प्रोवाइड किया गया है। नो, इंडिया एंड ओमान कंडक्टेड अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन 25 मार्च, वॉट इज इट्स नेम? तो ये क्वेश्चन पहले से डिस्कस किया हुआ है, अल नगा 2019, और तीसरा एडिशन था ये, जबेल अर अकदर ओमान में इसको कंडक्ट करा जाना है। 2 हफ्तों
का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसमें 60 से ज़्यादा, इनफैक्ट 60 ही थे इंडियन सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नगा जो कि ओमान में कंडक्ट हो रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट के बीच में यहाँ पर एक हाइफन होना चाहिए, ई वेस्ट रिसाइकल हब इनॉग्रेटेड। एट दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल हब कहाँ पर डेवलप किया गया है या बनाया गया है? तो आंसर इज, यहाँ पर शेख को देख सकते हैं, आंसर इज दुबई। और ये दुबई इंडस्ट्रियल पार्क के पास में है, करीब 2,80,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये जो रिसाइकल प्लांट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेस्ट कह सकते हैं आप उनको रिसाइकल किया जाएगा। पहला तो इलेक्ट्रिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है उसको भी यहाँ पर स्मार्टली मैनेज किया जाएगा। वो रेफ्रिजरेंट गैसेस वगैरह होते हैं, इन सबको भी रिसाइकल करना और इनको। चलिए आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ तोमसलाइव बाई। अब मैं उस क्वेश्चन में जो बात कर रहा था, तीन देश के विजिट पर थे, तो रामनाथ कोविंद को क्रोशिया ने ये अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर या अवार्ड जो होता है वो दिया है रामनाथ कोविंद को। क्यों दिया? तो उनका जो थ्री नेशन विजिट था क्रोशिया के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइप्स के लिए इनको दिया है, जिससे अब इंडिया और क्रोशिया के बीच में जो एमओयू साइन हुए हैं इससे दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी। और एज एन ऑनर क्रोशिया ने इनको ये अवार्ड दिया है। तो चलते हैं आगे। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे जैब्रेब में जब राष्ट्रपति गए हुए थे, स्पोर्ट्स में, टूरिज्म में और अलग अलग चीज़ों पर। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो एक बार चेक कर लेना। मूविंग अहेड, वी हैव मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपॉइंट्स डैश एज MD CEO। अपॉइंट तो नहीं, रीअपॉइंट आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक समय जब मारुति सुजुकी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी तब केनिची आयोकावा को हेड बनाया गया था, इंडिया का सीईओ, जो इंडिया के सीईओ जो थे वो बनाया गया था। और ये इनका थर्ड टाइम है, ठीक है? तो 2013 में आई सपोज उन्होंने चार्ज लिया था, तब से मारुति सुजुकी काफी बेहतर कर रही है। ऑसिंडेक्स 2019 विल बी हेल्ड एट विच प्लेस? कहां पर ऑसिंडेक्स ऑसिंडेक्स 2019 हेल्ड किया जाएगा? तो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि 2 से 16 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जाना है, और इसे किया जाना है विशाखापट्टनम में। तो आंसर इज विशाखापट्टनम, ठीक है? व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूज्ड इन टू बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा में भारत सरकार ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना रकम इन्फ्यूज करा है? तो आपको पता ही है बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, विजया बैंक और देना बैंक के साथ मिलकर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। और कौन सी बैंक है? देना बैंक। और 1 अप्रैल से इसका जो कार्य का जो सर्विस है वो शुरू हो चुका है। लेकिन उसके पहले ही गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5,042 करोड़ इन्फ्यूज़ किया है, ताकि जो बैंक है वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कई कई बार हमने डिस्कस किया है। ट्यूरिंग अवार्ड विनर्स आर, क्या है ट्यूरिंग अवार्ड? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड को कहते हैं ट्यूरिंग अवार्ड। कई बार आपने सुना होगा कि कंप्यूटर के फील्ड में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट, इसकी अहमियत है। तो ट्यूरिंग अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया है इस बार, और किस फील्ड में दिया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, जेफरी हिल्टन, यान लिकॉन लिकन और होशुआ बेंगियो। आपको इन तीनों का नाम ही ध्यान रखना चाहिए। और जेफरी हिल्टन को कई बार गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये अवार्ड एसीएम के द्वारा दिया जाता है। एसीएम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, जो कि 1966 से लाइमलाइट में है। और ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है, मुझे यहाँ फिगर डाल देना चाहिए था, मैं भूल गया लगता है, लगता हूँ। नाउ मार्था फेरल अवार्ड विनर इज, मार्था फेरल अवार्ड विनर कौन है? मार्था फेरल एक कह सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाली व्यक्तित्व थी, और वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पर काम करने वाली एक सोशल वर्कर आप कह सकते हैं। और उसी उन्हीं के नाम पर 2017 में ये अवार्ड कंस्टिट्यूट किया गया था, और इस बार ये अवार्ड दिया गया है
मनु गुलाटी को, जो कि दिल्ली दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल की एक टीचर हैं, और क्यों दिया गया, तो फॉर एक्सेलेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर। इसमें इनको 1.5 लाख रुपये के प्राइज मनी से सम्मानित किया गया, और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको नवाजा गया है मार्था फेरल अवार्ड। नाउ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर वाई बी रेड्डी रोट अ बुक नेम्ड, कौन सा बुक लिखा है वाई बी रेड्डी ने, तो इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। और इस किताब को लॉन्च किया एन के सिंह ने, जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। तो आपको बस ध्यान में नाम में, क्योंकि बुक एंड ऑथर्स में भी ये किताब पूछा जा सकता है, तो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एनटीपीसी रिसेंटली सेट अप अ फ्लोटिंग सोलर पार्क, आई मीन पावर प्लांट एट, कहाँ पर, एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक फ्लोटिंग थर्मल सोलर पावर प्लांट लगाया है। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है, पहले वो बता देता हूँ, छोटा सा कैपेसिटी वाला 25 मेगावाट का ये प्लांट है, जो कि लगाया गया है सिमहाद्री में, सिमहाद्री विशाखापट्टनम के पास में है। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से या इस तरीके के इनिशिएटिव से डाइवर्सिफाइड वे में सोलर पैनल्स को या सोलर सेगमेंट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, लाइक वाटर या फिर अलग अलग जगहों पर, तो ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो एनटीपीसी से महाद्री में लगाई है, जो कि विशाखापट्टनम में है। वर्ल्ड फर्स्ट प्लेस और डिस्ट्रिक्ट टू यूज़ 5G नेटवर्क, हम इसको आप डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर पहला 5G नेटवर्क इस्टेब्लिश कहीं किया गया है, तो वो संघाई में किया गया है, जो कि चाइना में है। और आपको पता ही है कि 5G की स्पीड करीब 10 से 100 गुना ज़्यादा फास्ट हो सकती है 4G के मुकाबले। वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू गेट वायरलेस चार्ज कार चार्जिंग सिस्टम, इस दुनिया का पहला वायरलेस इंडक्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये वायरलेस चार्जिंग होगा कार का, और ये किया गया है ओस्लो में, ओस्लो नॉर्वे, ठीक है, और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और 2023 तक यहाँ की सारी टैक्सी को, जितनी भी टैक्सीज काम करेंगी, वो ज़ीरो एमिशन पर काम करेंगी इस तरीके के स्टेप्स से, ऐसा नॉर्वे ने कहा है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 23 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और इस बार का जो थीम था 23 मई, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर मार्च होना चाहिए, ये तो ब्लंडर है। नाउ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम है इस साल का द सन द अर्थ एंड वेदर। 23 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर्स डे, और क्यों करते हैं, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मेमोरी में, शहीद दिवस भी कई बार जाना जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे, और इस बार का थीम है इट्स मी, काफ़ी ईजी है रिमेम्बर करना, याद करना। और दो तीन स्पोर्ट्स के इवेंट मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो मुझे लगता है मुझे यहीं पर बता देना चाहिए। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री अभी कंडक्ट किया गया था, जिसके विनर हैं वेल्टेरी बोटास। तो सुन लो, सिर्फ मुझे लगता है कि आपको याद रहना चाहिए वेल्टेरी, नहीं तो नोट्स में तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है, वेल्टेरी बोटास, ठीक है। और ESPN ने पार्टनर किया है IIT मद्रास के साथ एक क्रिकेट एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स तरीके का चीज़ बनाने का, जिसका नाम है सुपर स्टैट्स। एक तरीके से एनालिसिस है और कुछ नहीं, जिसके थ्रू जो बैटिंग है, बॉलिंग है, और उसको एनालिसिस करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का, ये तो गेम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नाउ इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल सुपर लीग जो भी हुआ था, उसके विनर हैं बेंगलुरु FC। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 12th एशियन एयरगन चैम्पियनशिप हुआ था ताइपे में, और उसमें मनु बकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल सेगमेंट में, एज अ काइंड ऑफ मिक्स टीम गेम था ये, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। आप ज़रूर बताइएगा कि वो GK वाला जो है वो वोटिंग ज़रूर करना, तो मैं मंडे टू फ्राइडे 5 क्वेश्चंस वाला, जिसके बहुत इंटरेस्टिंग वो वीडियो होगा, और सिर्फ 5 क्वेश्चन पर डे, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, और शॉर्ट वीडियो भी रहेगा तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो जैसा हो कमेंट करके बताना, वोट करके बताना, और कमेंट भी हो सके तो करना। कुछ अगर उसमें एडिशनल मॉडिफिकेशन चाहिए हो, या कुछ ऐसा इंक्लूड करना हो जो वीडियो को और इंटरेस्टिंग बना सकता है, तो ऑब्वियसली आई विल डू इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।